भाई यार चल यार यहाँ से, लगता है आज वो कॉलेज नहीं जाएगी। भाई यार 5 मिनट और रुक जा, हो सकता है वो आ ही जाए। अबे वो आ भी गए तो क्या फ़ायदा, तू उसे कुछ बोल तो पाता नहीं है और आज भी नहीं बोल पाएगा। भाई मैं आज उसे हर हाल में प्रपोज करके ही रहूँगा, अगर मान गई तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे 2-3 थप्पड़ ही तो मारेगी। भाई वो जा रही, बोल भाई बोल, नहीं वो चली जाएगी, बोल भाई। अबे तूने आज भी उसे कुछ नहीं बोला। अबे अगर मेरी जगह तू होता तो तुझे पता चलता, जब वो मेरी तरफ घूर के देखती है तो ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देगी। अबे बहुत डर लगता है यार जब वो पास आती है। चल अब मैं कल ट्राई करूंगा, चल। अबे भाई वो देख सगुन आ रही है, तू तैयार हो जा जल्दी से। आज तो मैं इसे प्रपोज करके ही रहूंगा, क्योंकि पूरा 1 महीना हो गया है इसके पीछे भटकते भटकते। यार जब ये सामने आती है तो पता नहीं मेरी सारी हिम्मत कहाँ चली जाती है। तेरी बस की बात नहीं बेटा, तू सिर्फ उसे देख के काम चला, चल भाई। भाई आज आखिरी दिन है, अगर आज मैं उसे प्रपोज नहीं कर पाया तो फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ दूंगा और फिर उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा। हाँ तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आखिरी मौका भाई, भाई जा रहे भाई। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम यहाँ खड़े होके मेरा इंतजार करते हो और मुझे घूर घूर के देखते रहते हो, ऐसा क्यों? बात क्या है, कुछ भी तो नहीं। वो हाथ में क्या छुपा रखा है? वो फूल है। अच्छा किस लिए लेकर आते हो रोज? वो मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है इसलिए मैं रोज लेकर आता हूँ। खुशबू अच्छी लगती है कि मुझे देने के लिए लाते हो? बोलो मेरे लिए लाते हो ना? अबे भाई बोल दे, अगर और नहीं बोल पाए तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। हाँ मैं ये फूल रोज आपको देने के लिए हिलाता हूँ। तो फिर देते क्यों नहीं हो? वो मुझे डर लगता है। क्यों क्यों डर लगता है? वो कहीं तुम मुझे थप्पड़ ना मार दो। प्यार भी करते हो और कहने से भी डरते हो? लाओ ये फूल दो मुझे। I love you.
आई लव यू टू। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि अब तुम बोलोगे अब बोलोगे, लेकिन फिर मुझे लगा मुझे ही बोलना पड़ेगा। तुम तो रोज मुझे देखते ही रहोगे बस। अच्छा अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। सुनो, क्या हम लोग कल कहीं घूमने चले? अबे भाई वो देख शगुन आ रही है, आज तू उसे प्रपोज कर दे। अगर तू उससे ऐसे ही डरता रहेगा तो आज तो वो अकेली आ रही है, लेकिन किसी दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आएगी, बस तू ऐसे देखता रहेगा। ये फूल क्यों छिपा रहे हो? जी ये जी जी क्या कर रहे हो? जब ये फूल रोज तुम मुझे देने के लिए लाते हो तो देते क्यों नहीं हो? वो मैं बस करो, मैं जानती हूँ तुमसे नहीं होगा, इसीलिए आज मैं खुद फूल लेकर आई हूँ। आई लव यू। क्या तुम मुझसे? हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, बस कहने से डरते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं ही बोल दूँ। आई लव यू टू। अच्छा बाय, बाद में मिलते हैं। सुनिए, कल हम लोग कहीं घूमने चलें? मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ सुगुन बोलो, क्या काम है? नहीं रहने दो, तुम बुरा मान जाओगे। अरे ऐसी कौन सी बात है जो मुझे बुरी लग जाएगी, बताओ क्या काम है? नहीं रहने दो विपिन। यार अब बताओगी भी, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बताओ कौन सी बात है? वो मुझे 20,000 रुपए चाहिए थे, कॉलेज की फीस जमा करनी है। अच्छा ये बात है, तो यार इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यार मेरे घर वाले मेरे पढ़ाई के अगेंस्ट हैं, तो मुझे वो फीस नहीं देते हैं। अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं कहीं और से अरेंज कर लेती हूँ। अच्छा तो अब तुम मेरे होते हुए किसी और से पैसे मांगोगी, तो यार इसमें मेरा तुमसे प्यार करने का फायदा ही क्या? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। क्या हुआ सगुन, तुम इतना परेशान क्यों? बताओ क्या बात है? नहीं वरुण रहने दो, हो सकता है तुम्हें अच्छा ना लगे। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी? नहीं वरुण रहने दो। अरे बोलोगी, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्या बात है? यार मुझे 20,000 रुपए चाहिए, मेरी फ्रेंड को कुछ काम है, उसने मुझसे मांगा था तो मैंने हाँ बोल दिया, और अगर अब मैं नहीं दे पाऊंगी तो मेरी इंसल्ट होगी। अच्छा तो ये बात है। हाँ यार मैंने सोचा कि तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, इसलिए मैंने तुमसे बोला, और वैसे भी मेरी फ्रेंड जैसे पैसा वापस करेगी मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से बोल दूंगी, ज्यादा से ज्यादा वो मेरी बेइज्जती ही करेगी। अरे ऐसी बात नहीं है, और तुम मुझसे नहीं कहोगी तो फिर किससे कहोगी? तुम परेशान मत हो, तुम्हें कल पैसे मिल जाएंगे। Thank you.
गया भाई, वो तुझसे 1,30,000 रुपए ले चुकी है। हाँ भाई, उसने जब जब मुझसे पैसे मांगे मैंने दे दिए। अच्छा, लेकिन तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तेरा इस्तेमाल कर रही है? नहीं भाई, भला वो मेरा इस्तेमाल क्यों करेगी, वो तो मुझसे सच्चा प्यार करती है। और वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर भला वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी यार, मैं भी तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक, जैसे तेरी मर्जी। एक बार 20,000, फिर 30,000 और फिर 50,000, उसके बाद भी 30,000। अबे भाई, ये तो 1,30,000 हो गए हैं। क्या? हाँ, वो तुझसे 1,30,000 रुपए ले चुकी है। मुझे लगता है वो तुझसे नहीं, तेरे पैसों से प्यार करती है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकती। और उसने जब भी मुझसे पैसे मांगे तो उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। हाँ, ये बात भी सही है। और यार, वो मुझसे प्यार करती है तो अपनी परेशानी भी मुझसे ही बताएगी, और प्यार में इतना तो चलता ही है। चलो। अरे यार, इसको भी अभी खराब होना था यार। वहां सगुन मेरा इंतजार कर रही होगी। ये लो सगुन, पूरे 20,000 रुपए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो जाएगा। ठीक है, बाय। तू कौन है बे? और तू उस लड़की के साथ क्या कर रहा था? और तूने उसे पैसे क्यों दिए? शायद तुझे पता नहीं है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ओहो, दोबारा मत कह देना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मुझसे मिलने आई थी। तू जाके पहले अपनी आंखों का इलाज करवा, तुझे जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। सगुन मेरी गर्लफ्रेंड है, समझा? अब अगर आइंदा से उसका नाम भी लिया और उसका साथ दिखा तू मुझे, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अब अगर तूने अपनी गंदी जुबान से सगुन का नाम लिया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं उसका खर्च उठा रहा हूँ और मैं उसे अब तक 1.5 लाख रुपए दे चुका हूँ। तू झूठ बोल रहा है, मैं अब तक खुद उसे 1 लाख से ज्यादा रुपए दे चुका हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। और ये देख, मैं उसे 30,000 रुपए देने आया हूँ और मैं उठाता हूँ उसका खर्चा। ये देख, आ गया उसका फोन। हाँ सगुन। विपिन, कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। इसका मतलब वो हम दोनों को यूज कर रही है? वो तुझसे भी पैसे ले रही है और मुझसे भी। विपिन, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। अरे यार सगुन, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी इसीलिए मुझे लेट हो गया। अच्छा सगुन, ये लो पूरे 25,000 रुपए हैं। यार विपिन, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। वो तो है, इसीलिए मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। अच्छा विपिन, अब मैं चलती हूँ। ठीक, बाय बाय। भाई, अब हम लोगों को ये पता लगाना ही पड़ेगा कि ये हमसे पैसे लेकर क्या करती है। आओ।
इसीलिए तूने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया? मैं तो तुझे एक अच्छी लड़की समझ रहा था, लेकिन तू भी दूसरों की तरह निकली, धोखेबाज। लगता है तुम लड़कियां बिना पैसों के कभी प्यार नहीं कर सकती, और तुमने अपनी मजबूरियां बताकर हमसे न जाने कितने रुपए ठगे। शर्म नहीं आती तुम्हें? और क्या कोई पैसों के लिए किसी के दिल के साथ ऐसा खिलवाड़ करता है? और तुम हम दोनों से पैसे लेकर अपने तीसरे बॉयफ्रेंड को ऊपर उड़ा रही हो? बोलो, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? बोलो। और तू कितना प्यार करती है अपने उस बॉयफ्रेंड से जिसके लिए तू हम दोनों को धोखा दे रही थी? बोल, ऐसा क्यों किया? वो तेरा बॉयफ्रेंड है ना? बोल। नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर कौन है जिसे तू भी पैसे दे रही थी? वो डॉक्टर है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, पूरे 3 लाख रुपए। अब तो मेरे भाई को कुछ नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अब आपके भाई को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आप जल्द से जल्द मेरे भाई के पैरों का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि वो फिर से चल सके। आप परेशान मत होइए, आपके भाई का ऑपरेशन हो जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक आए। अरे कोई बात नहीं, आपको आने में देर हो रही थी तो मैंने सोचा मैं ही चला जाऊँ। मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे और उनके इलाज के लिए 3 लाख रुपए लग रहे थे जो कि मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने ये सब किया। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, मैं तुम्हारी मदद करता। हाँ, तुम्हें ये बात बतानी चाहिए थी। मुझे लगा कि अगर मैं तुम दोनों को ये बात बता दूंगी तो तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम ही लोग मेरी मदद कर सकते हो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो हमें मांगनी चाहिए जो हमने बेवजह तुम्हें इतना गलत समझा। अभी तक तो हम लोग यही सोच रहे थे कि तुमने हमारे दिए हुए पैसों को अपने ऐशो आराम और पिकनिक पार्टी में खर्च किए होंगे, लेकिन लेकिन हमारे पैसे तो किसी की जिंदगी बचाने में लगे हैं। हमें अपने पैसों का अफसोस नहीं बल्कि गर्व है कि हमारे पैसों से कोई अपने पैरों पर खड़ा होगा। और तुम अब माफी मत मांगो, हमें तुमसे अब कोई भी शिकायत नहीं है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो हम तीनों एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हेलो माय फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही मस्त होंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब बहुत ही जल्द हमारी धमाकेदार मूवीज आने वाली है। और हाँ, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया है, तो जाओ जल्दी से वहाँ पर भी हमें फॉलो करो जिससे कि आपको डेली अपडेट्स रोज़ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।